हेलो गाइस, आज मुझे चैलेंज मिला है दिन भर जंक फूड खाने का। तो सबसे पहले मैंने खाया बिस्किट, जो मैंने दो चार बाइट खाया। फिर इसके बाद मैंने खाया नमकीन थोड़ा थोड़ा सा। फिर इसके बाद बारी आती है कुछ और खाने की। तो जब तक मम्मा ले आई थी मार्केट से, ये इवनिंग का टाइम था, तो मार्केट से मम्मा और बुआ गए थे, तो लेके आए थे ये चाइनीज़, जिसमें चाउमीन, मंचूरियन और फ्राइड राइस। ये सारा मैंने काफ़ी फैला फैला के खाया, क्योंकि मैं अपने हाथ से खाना पसंद करता हूँ और अपने हाथ से खाने में मैं पूरे घर में फैला देता हूँ। मैंने सोचा मैं बाहर बैठ के खाऊंगा, पर फिर मैंने देखा कि बाहर बहुत सर्दी है, तो माँ ने बोला चलो अंदर ही चलो, बाहर के गेट लगा दिए। फिर मैं आ जाता हूँ अपना फेवरेट शो देखने के लिए, ये मंकी वाला शो। और फिर मुझे ध्यान आता है कि मुझे थोड़ी और भूख लगी है। फिर मैंने मम्मा से कहा, मम्मा प्लीज़ मेरे लिए कुछ ला के दो। हाँ, वो कुछ जंक फूड ही ला के देना, कुछ हेल्दी वेल्दी मत ला के देना, मैं नहीं खाने वाला वो कुछ। तो फिर मम्मा ने मेरे लिए लाया ये पाव, और मैंने आराम से अपना शो देखते देखते ये पाव एंजॉय किया। और पाव खाने के बाद मेरा पेट काफी भर गया था। मेरे को वैरायटी चाहिए होती है खाने में, पर खाना थोड़ा थोड़ा होता है बस। फिर इसके बाद खाने के बाद मैं देखता हूँ मम्मा कुछ काम कर रही है। मम्मा जो पुराने कपड़े थे पापा के, वो एक साइड रख रही है, जो पापा नहीं पहनते। तो मैंने सोचा मैं मम्मा की हेल्प करा देता हूँ, और मैंने क्या हेल्प कराई वो आप देखो। मैं जो फोल्ड करे हुए कपड़े थे ना, वो भी फैला दिए। मैं ऐसे हेल्प कराता हूँ मम्मा की। और यहाँ पे मम्मा मुझे डांट रही है, बोल रही है बेटा नहीं करूँ मैं, कर लूँगी अकेले, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और मैंने कहा नहीं मम्मा, मैं तो आपकी हेल्प कराऊंगा। और ये बेबी को मैंने सोचा ये कपड़े फिट आएंगे क्या, फिर मैंने पहना के देखे, नहीं मम्मा ये तो बेबी को भी नहीं आ रहे, आप इन्हें हटा दो। फिर मुझे याद आता मैंने खाना तो बहुत खा लिया, तो अब पानी भी पीना है। और देखा तो बॉटल में पानी नहीं था। फिर क्या, मैं गया मम्मा के साथ पानी भरने के लिए किचन में, और किचन से लेके आया पानी, और फिर पानी हमारा खाना पीना सब डन हो गया था। और उसके बाद मम्मा का भी सारा काम फिनिश हो गया था। तो मैंने कहा चलो मम्मा अब अपन खेलेंगे हाइड एंड सीक। तो मैं मम्मा के साथ खेल रहा हूँ हाइड एंड सीक, यहाँ पे मम्मा मुझे ढूंढ रही है और मैं छिप गया। थोड़ी देर खेलने के बाद मेरा मन भर गया हाइड एंड सीक से, तो मैं चला गया मम्मी को परेशान करने, और मैंने मम्मा का ये ट्राइपॉड है इसको खींचना चालू कर दिया। तो मम्मा ने मुझ पे गुस्सा किया, जब तक आ जाता है भाई, और फिर मैं खेलने लगता हूँ अपने भाई के साथ। थोड़ी देर खेलने के बाद भाई मुझे परेशान करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले वो मेरा टैब उठा लेता है, और उसके बाद टैब में जो मेरा शो चल रहा था उसको बंद कर देता है और अपना गेम खेलने लगता है। टैब ले लिया वो तो ठीक है, अपना गेम खेल रहा था भाई। उसके बाद मेरी टैडी को भी नहीं छोड़ा, उस पर लेट लेट के खेल रहा था। तो फिर मैंने भाई से बोला या तो आप मेरे साथ खेलो या तो आप टैब रख दो, अपन दोनों मिलके खेलेंगे, ना चलो प्लीज़ कुछ, अपन दोनों मिलके खेलेंगे। फिर मैंने भैया से बोला आप यहाँ बैठो, मैं आपकी गोदी में बैठूंगा और अपन दोनों बजाएंगे पियानो।
चले गया। और फिर भैया नहीं माने मेरे साथ खेलने के लिए, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो उनकी बात, मैं खुद ही अकेले कुछ खेल लेता हूँ। तो मैं आराम से चढ़ के यहाँ बैठ गया और अपने आप में मस्ती करने लगा। फिर भाई का मुझे परेशान करने का कारनामा तो बंद ही नहीं होता, फिर वो मेरी चेयर पे बैठ जाता है और पूरे में घूमने लगता है। फिर भाई को काफी मनाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेले ही खेलूंगा, तो मेरे जैसे टॉयज नहीं उठ रहे थे तो मैंने अपनी चेयर रखी और फिर मैंने अपने टॉयज उठा लिए। मम्मा मुझे देख रही थी ताकि मैं गिर ना जाऊं, और फिर मैंने अपने सारे टॉयज उठाए और उनसे खेलना शुरू कर दिया। फिर ये है मेरा प्यारा बेबी जिसकी मैंने कैप उतार दी है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं खुद लगा लूँ, पर ये काफी छोटी थी और मैं नहीं लगा पाया और मैंने सारे टॉयज फैला दिए जो मेरा रोज का काम है। मैं बेबी की कैप लगाने की काफी कोशिश कर रहा हूँ पर वो मेरे सिर में फिट ही नहीं आ पा रही, और मैं भाई को दिखा रहा हूँ, भाई देखो मैंने तो कैप लगा ली, आप भी लगा लो। वो नहीं गंदा, हाउ ले गया, इस पे बैठ जा चेयर पे, हाउ ले गया। और फिर किशु भैया आते हैं और उनकी और विराट भैया की हो जाती है लड़ाई, तो मैं यहाँ किशु भैया को समझा रहा हूँ कि भैया कोई बात नहीं, अपन मिलके भैया से सुलह कर लेंगे, अपन नहीं लड़ते, अपना बड़ा भाई है ना। चलिए प्यारी कर लो भैया को, प्यारी करो, प्यारी तो करो, फिर भैया आपके साथ खेलेंगे। ओ भैया पियानो बजा, किशु इसको गोदी में बिठा के पियानो बजवा लो, चलो नहीं चलता बेटा खराब हो गया। कैसे हो रहा है किशु भैया? गाइस अब रात हो चुकी है और अब हो गया है मेरे कपड़े चेंज करके, रिलैक्स होके मालिश करा के सोने का टाइम, तो मम्मा मेरे को पकड़ रही है पर मैं उनके हाथ नहीं आ रहा हूँ, मैं अपनी मस्ती में मस्त हूँ। मम्मा दे रही है ना, मुझे अब नींद नहीं आ रही थी और फिर मैंने मम्मा के साथ खेला ये ग्लव्स पहन के भाव भाव वाला गेम, और फिर मैंने देखा कि रूम भी काफ़ी फैल गया था क्योंकि हम तीनों भाई हम काफ़ी टाइम से मस्ती कर रहे थे, फिर मैंने पूरे रूम की करी सफाई।
टांग दो, ऊपर टांग दो, लाओ मैं टांग दूँ।